साधु सतान प्रसंगात साधु प्रसंगात कथा को तुम सुनोगे श्रद्धा प्रति श्रद्धा आएगा, फिर भगवान पर विश्वास आएगा, फिर भाव आएगा, फिर तुम्हें प्रेम प्राप्ति होगी। और साधु से कैसे किया होगा, बोले आ प वर्ग वर्तमनी, जो प वर्ग मतलब प प ब भ म, कभी जो प सब कैसे खत्म हो जाए, प मतलब परिश्रम, बोले भ मतलब भेंट का झाक, बोले ब मतलब व्यर्थता, बोले भा बोले भार, बोले मा मतलब मृत्यु है। कहते अगर साधु सहम करोगे ना सब चीज से निकल जाओगे, सबसे तुम निकल जाओगे, मृत्यु भय दुख कष्ट से पूरा। उसको बच्चा पानी में गिरा, अभी हिरण तो उठाई नहीं सकता है, लेकिन अभी उस पार में जाकर के बड़े कातर नयन से देख रहा था, मेरे बच्चों को कौन बचाएगा, मैं तो बचा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन भरत महाराज वहीं पर भजन कर रहे थे, भजन करते करते बस उनको थोड़ी सी गोद में आ जाए बैठ जाए, फिर खुजलाने लग जाए सिंह सिंह से, बस अभी चिंता भगवान की छुपी, और चिंता किसी हो गई, हिरण की चिंता हो गई। फिर डर लगता है क्या कोई बाघ आकर खा नहीं जाए, बच्चा है बाघ आकर के खा नहीं जाए, अभी चिंता होता है बाघ अगर खा नहीं जाए। कहते हिरण का जहाँ चरण का चिन्ह गिरता पड़ता है ना उसको पवित्र मानी जाती है, जब आश्रम में फुदकता है बस आश्रम में पवित्र हो गया, क्यों चिंता खत्म खत्म हो गया। अभी किसकी चिंता हो रही है, हिरण चिंता, हिरण की चिंता हो रही है। ऐसे करते करते कभी हिरण का झुंड आया, बात उसको मिले चला गया, और उसका अंतिम समय आया तो अभी भगवत चिंता क्या करेगा, हिरण चिंता करते करते मरे तो लास्ट में हिरण जन्म। इसलिए कहते हमें साधु संग क्यों करनी चाहिए, उन्नत साधु। अगर कहीं हमारी आसक्ति हो गई, हमारी अगर कहीं भक्ति छोड़ करके और कोई गलती चीज में आसक्ति हो गई ना, साधु लोग हमें बचाएंगे, बोले क्या कर रहे हो, बचाएंगे, हमें डांट लगाएंगे, हमें शासन करेंगे, नहीं ये गलत चीज है, इधर नहीं जाना, ये माया है, इधर नहीं जा, इधर जाओ, साधु लोग हम बचाएंगे। लेकिन अगर हम साधु संग नहीं करेंगे, अगर कोई गलत काम करेंगे तो हम कोई बचाने वाले नहीं। इसलिए एक समय गुरुदेव कोई एक ब्रह्मचारी था, बोले गुरुदेव हम वो मठ छोड़ गुरु जी को छोड़कर चले गए, बोले गुरुदेव मैं बहुत बढ़िया हूँ, बोले कहाँ रहते, बोले गोवर्धन, बोले क्या करते, बोले रोज गुजरात परिक्रमा करते हैं। तो गुरुदेव एक बात बताए, बोले जब तुम मंगला आरती में नहीं आते हो तेरे कोई उठाता है, मंगला आरती जब नहीं आते तेरे कोई उठाता है, मंगला आरती उठो, मंगला आरती में जाओ, जब हरिनाम नहीं करते हो कोई बोलता है माला क्यों नहीं कर रहे हो, कोई बोलता है तुमको, बोले नहीं हमें कोई कुछ बोलता नहीं, हम तो मन मर्जी से उठता खाता पीता, बोले यही तुम्हारी गलती है, जब साधु संग में रहोगे ना तुमको डांटेंगे शासन करेंगे, नहीं मंगला आरती हो गया उठो हरिनाम करो भजन करो, है भजन करो हरिनाम करो, है गिरिराज में नहीं बोलेगा, बोलेगा कौन बोलेगा, बोलेगा श्री साधु लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जब बार बार हरि कथा सुनेंगे फिर असत चिंता हम दूर रहेंगे। श्री चैतन्य देव कथा इतो सत्य इतो बड़ इतो सुंदर जे ताहार निकट जन अन्य कथा कखनो टिकिया थकते पारे ना एवं पारिवे हो ना। तो चैतन्य देव कथा इतो सत्य, जब हम श्री महाप्रभु की कथा सुनते हैं इतना सुंदर उनकी कथा है, हाँ इतने बढ़िया कथा है, तो दो कथा को सामने दूसरी कथा को टिक नहीं सकती है। जब हम श्री महाप्रभु का शिक्षा महाप्रभु का अवतार, एक समय महाप्रभु जब सन्यास लिए कितना सुंदर शिक्षा दिया थे, महाप्रभु जब सन्यास लिए जगन्नाथपुरी में थे, कोई एक विधवा थे उसका एक कोई छोटा बच्चा था, और छोटा बच्चा क्या करता था महाप्रभु के पास में आ जाता था, छोटा बच्चा था महाप्रभु बच्चे को थोड़ा प्यार देते थे। लेकिन वहां पर एक दामोदर पंडित था, वो एकदम सत्यवाद बोलने वाले था, सत्यवाद देखो साधुओं का सत्यवाद कभी कभी बुरा लगती है लेकिन जिसमें हमारा कल्याण है। महाप्रभु जब वो बच्चे को प्यार करते थे तो महाप्रभु को वो टोटी कर, पंडित जी महा सन्यास जी
जगत में बड़ी नाम होगा तुम्हारी। बोले क्यों? आप जिसे बच्चे को प्रेम करते उसका माँ कौन है? विधवा ब्राह्मण जगत में सुंदरी। अगर तुम वो बच्चे को प्रेम करोगे आप लोग क्या समझेंगे? लगता है इसको मैया के साथ में तुम्हारे कोई अंदर अंदर का कोई संबंध है। बोलेंगे ना उसकी माँ के साथ में बच्चे को तुम प्यार कर रहे हो। हाँ वो विधवा, उसकी माँ विधवा है, पति है ही नहीं। जब उसको तुम प्रेम कर, दुनिया के लोग तुमको क्या बोलेंगे? लगता है इसको अंदर अंदर से कुछ उसकी मतलब। बोले महाप्रभु ने सिखा दिया हमें ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे कहीं फंस नहीं जाए। क्यों? भगवान को इस बात बोलने का क्या जरूरत है? वो भगवान को बोल रहे क्योंकि भविष्य में ऐसे होता है, ऐसे भविष्य तो होगा। इसलिए साधुओं को सावधान किया, खबरदार ऐसे काम मत करो। वो तो भगवान ही, लेकिन हम क्या हुआ ना धीरे 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 जब फंस जाएंगे। घर बार छोड़ रहे हैं भजन करने के लिए, भजन क्या करके बाहर भजन भजन छूट गया, आए तो अपना बीवी को छोड़कर यहाँ पर दूसरे बीवी आ जाएगी, दूसरे बीवी आ जाएगी बीच में। मतलब माया इतने स्ट्रांग है, इतने माया स्ट्रांग है। इसलिए महाप्रभु ने सावधान करते ही सतर्क करते ऐसे मत किया करो। इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को मृत्युदंड दे दिया, मृत्युदंड दिया। कोई भिक्षा करने के लिए गए हैं, किसी स्त्री को कोई कुदृष्टि से देखा, महाप्रभु थोड़ा चावल बदला करके महाप्रभु के लिए लाया था, महापुरुष को त्याग दे दिया। महापुरुष उनको शिक्षा के सामने कोई शिक्षा टीक नहीं सकती है। इसलिए धर्म काम मोक्षाधिकारी श्री चैतन्य कथा सेवक प्रकृति पक्षे महा उदार। इसलिए महापुरुष का भक्ति में जो आते हैं कि जो धर्म अर्थ और काम ये त्रिवर्ग होता है। धर्म मतलब संसार का धर्म करो है, मतलब पैसा कमाओ उसको दान पुण्य करो, और धर्म अर्थ और काम मतलब स्वर्ग में जाकर के वास रंभा उर्वश मैंने का सुंदर सा स्त्रिया है उनके साथ में रहो, घूमो, स्वर्ग का भोग करो। लोग इससे ऊपर और कुछ नहीं जानते। पैसा कमाओ उसका दान पुण्य कर लो और स्वर्ग में जाओ भोग सुख करो, इससे ऊपर कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर उसको ऊपर कोई जानते तो मोक्ष मुक्ति को बाद में। लेकिन महाप्रभु का भक्ति में जो आते हैं ना ये जो चार वर्ग है इसको भी प्रभुत्व करो। इसलिए कहते महाप्रभु का जो भक्त लोग है बड़े बुद्धिमान है, बड़े चिंताशील है और बड़े परोपकार, दूसरों के ऊपर में बड़े दया करने वाले, दूसरों के ऊपर में ये कृपा करने वाले। इसलिए हमें अन्य ऊपर प्रभुत्व करो, हम किसको करें? देखो ये चीज को समझो, दान हमें किसको करनी चाहिए अच्छी तरह सुनो। यदि उपकार करता है, यदि दान करता है, तब गुरु वैष्णव के दान करा कर्तव्य। कहते अगर किसको दान करना चाहते हो, दान किसको कर? बोले गुरु वैष्णव को ही दान है, सबको दान मत किया। लेकिन जो नाव चला रहा था केवट को जब उन्होंने एक रुपया दिया, उसने क्या किया? वो मछली मारने का जो कांटा होता है ना, उसने एक रुपया से उस कांटा को लगा और उसने हजार मछली उससे मारा, हजार मछली उसने मारा। तो जब उसको मृत्यु हुई, अभी चित्रगुप्त सब लिखते हैं इनका दान का कोई सीमा नहीं। लिखते हैं ये गिरगिट मेरे की डूब गई, बोले मेरे से गलती हो गई, मैं जो संकल्प करके जो एक गैया एक ब्राह्मण को दिया था वो भूल से आकर के दूसरी गैया से मिल गया, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने भूल से फिर संकल्प करके दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अभी दोनों ब्राह्मण खूब लड़ाई, वो लड़ते लड़ते आए घर में कोई सचमुच से कोई साधु आया, वो साधु को उन्होंने भोजन खिलाया। बोले बाबा अब कुछ चाहिए आपको? बोले भागवत पढ़ने की मेरी इच्छा है, भागवत एक भागवत ग्रंथ दो। तब उन्होंने ताल पत्ते में लिखवा करके 18,000 श्लोक उन्होंने दान दिया। भागवत जो कथा करवाते है ना उसकी महिमा बताने, उन्होंने केवल एक भागवत ग्रंथ उन्होंने दान दिया वो साधु को। भागवत कौन है? साक्षात कृष्ण ठाकुर जी है, ठाकुर जी को दिया। और उन्होंने क्या किया? भागवत ग्रंथ को रोज पढ़ते थे, भगवान का स्वरूप है, ग्रंथ पढ़ते थे। उन्होंने जो एक भागवत ग्रंथ उन्होंने दान दिया और एक दिन एक शुद्ध साधु को भोजन कराया, उसका क्या फल मिला? कृष्ण दर्शन, चरण स्पर्श मिला,
लेकिन जो उसने इतना दान किया था कर्मकांडी ब्राह्मण को, फल क्या मिला? इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते भैया जब दान दो ना, जो दान दो है जैसे किसी दुखी भिखारी को दान देते हो, ऐसे कोई चीज दान मत दो, ठाकुर को भोग लगा, ठाकुर का प्रसाद हो ना, वो प्रसाद उसको दान दो, उसका भी कल्याण देने वाले कोई कल्याण, ऐसे चीज दान मत दिया करो। पैसा दे दिया, अब पता नहीं भिखारी करता है क्या, अगर ऊपर से भिखारी अगर अंदर में लेकर पैसा दिया लग रहा माछ खरीद कर खाया, नहीं तो बीड़ी फूंका, फिर पाप किसको लगेगा? पाप हमें लगेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते जो दान ही किसको देनी चाहिए, गुरु वैष्णव को दान दो, सचमुच से जो ठाकुर जी की सभा में लगाते हैं। इसलिए हमारे एक सागर महाराज थे, वो भिक्षा में, अभी जो आचार्य भिक्षा में जाते थे प्रभु, वो पांच पैसा की कभी जैसे भिक्षा में जाते थे, तू पूरी में था, पांच पैसा की अगर मिश्री उन्होंने खरीदी करते थे ना, मिश्री पांच पैसा, उसमें पांच पैसा कीमत, पांच पैसा की मिश्री खरीदी करते थे, गुरुदेव का आदेश जो कुछ खर्चा करना लिखना है, और मेन सेंटर में जाकर था हमारी कितना खर्चा कितना आय व्यय हुआ। इसलिए मैं एक दिन देखा पांच पैसा मिश्री लिखा, तो मैंने कहा महाराज ये पांच पैसा के मिश्री खरीद किया, पांच पैसा के मिश्री खरीद किया लिख रहे क्यों? बोले गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव का आदेश है, क्योंकि ये जो पैसा जो दिया है वो विषयी लोग दिया है, जो दिया पांच पैसा मेरे क्यों दिया व्यक्ति, कहते हमारे संसार में शांति सुख हो, हमारे घर में ये बीमारी है, घर का ये दिक्कत है, वो पांच पैसा नहीं, उसका सारे दुख कष्ट पांच पैसा में। संसारी व्यक्ति जब दस रुपया ऐसे नहीं दे देता, दस रुपया वो क्या क्या सोच करके घर का हमारी ये बीमारी ये दुख कष्ट ये संसार में दिक्कत असुविधा इसको देख करके ऐसे घुमा फिरा कर देते हैं, वो दस रुपया नहीं सारे बीमारी दुख कष्ट देख करके। ये गुरु जी कहते थे अगर तुम इसको गुरु वैष्णव से नहीं लगाओगे भगवान से हमें, उसका पूरा उसको घर में तरफ कुत्ता बनना पड़ेगा, अगले जीवन में घोड़ा कुत्ते बन करके उसकी नौकरी करना पड़ेगा। देखो एक समय एक साधु एक घर में एक बैल आया, वो बैल आया तो वो कोई काम नहीं करेगा, सो जाए और उसको तेरा नाक छेद करते ना, जो नाक छेद करके पूरा सो गया, उसके बाद आप देखना बैल को गाड़ी में काम करवाते। एक दिन ये सेठ घर में था, एक दिन साधु आया, सेठ ने कहा बाबा पता नहीं ये बैल को क्या हो गया, सोता रहता काम नहीं करता, जब से नाक इसको छेद कर दिया तब तो कोई काम नहीं कर, लेट ही गया। साधु ने कहा कोई चिंता मत कर उसको मैं ठीक करता हूँ, काम करेगा तो करेगा, बोला तो साधु काम करेगा। जानते हो तुमने इस जीवन में क्यों बैल बनाया? पूर्व जन्म में इससे तुमने ऋणी दिया है, पूर्व जन्म इसका ऋणी दिया है, और ऋणी को चुकाने के लिए अभी तुमको बैल बनना पड़ा, ऋण लिया था। इसलिए अपूर्व जन्म में तो साधु था लेकिन ऊपर में तो साधु का चोला पहना, लेकिन साधु का चोला पहन करके तुमने दूसरों का माल लूटे हो, माल खाए लेकिन तुमने भजन नहीं किया है, भजन नहीं करने का नाते इसी जीवन में उसको घर में तुमको बैल बनना पड़ा। इसलिए देख अगर इसी जीवन में खूब काम करो, क्यों बैल इसलिए बन करेगा उसे ऋणी चुकाने के लिए, जब कर्म का जो फल है ना बड़ा गहरा रास्ता है, इसलिए अभी तो खूब काम कर क्यों काम करके उसका ऋणी से चुकी मुक्त हो जाएगा, फिर तुम भजन करोगे। अगर इसी जीवन में तुम काम नहीं करोगे ना फिर दूसरे जीवन में बैल बन कर फिर आओगे, उसको कान में सारी बात उसने बताया, फिर वो खड़ा हो गया, खड़ा फिर खूब काम कर, बोले बाबा आपने क्या मंत्र दिया, मैं तो पूरा सो गया था, क्या मंत्र दिया है। फिर यहाँ पर सिखा देते भैया इसलिए जो विषय का जो अर्न है ना उसको खाने से मन मलिन हो जाता है, अगर हम भजन नहीं करेंगे हरिनाम भक्ति नहीं करेंगे जो सेल से हम ले रहे हैं ना उसका ऋण चुकाने के लिए तुमको उसकी घर में फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा उसकी घर में। इसलिए कर्म का जो रास्ता है कर्माणा नाम गहिना मार्ग, कर्म का जो मार्ग है फिर गहिना, इसलिए सिख्या देते साधु का चोला पहनो सचमुच से भजन करो भगवान के हरिनाम करो भक्ति करो, क्यों गुरुदेव कहते थे जैसे आपके पास में 100 रुपया गुरुदेव कहते थे है 100 रुपया है आपके पास, अगर कोई 200 रुपया मांगेगा आप थोड़ी दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, गुरुदेव कहते थे उतना हरिनाम करो भजन करो, क्योंकि हम जिसका अन्न खा रहे हैं उसको कुछ देना पड़ेगा, उसको कुछ तुम्हें देना पड़ेगा, तुम कुछ देने का बात तुम्हारे पास में कुछ बचनी चाहिए।
इतना भजन करो, इतना भजन करो, इसलिए जिसका खा रहे उसको भी कुछ दो, वो तो अपने आप ले लेगा, अपने आप ले लेगा, इसलिए इतना भजन करो तुम्हारे पास में कुछ बच्चे, तब तो बचेगा, तब तो ये करो ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।